Once again, students, welcome in e-commerce class. मैंने पहले जो वीडियो आपको भेजी है उसमें मैंने डिस्कस किया था दो पार्ट. अब आपके दो पार्ट रहते थे सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर और सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस. लेट अस डिस्कस अबाउट द सी टू सी. बस सी टू सी का मतलब क्या है, राइट? कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, सिक्स सेमेस्टर वाले तो वैसे ही काफी शार्प हैं, पता होगा. सी टू सी का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर से कस्टमर तक, इस चीज को हम कह सकते हैं. इसमें क्या होता है, इट मींस कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ये जो मॉडल है ना, कस्टमर से कस्टमर, ये आज के टाइम में काफी पॉपुलर है, राइट? इसमें क्या है कि इसके एग्जांपल आप देख लो कि कस्टमर, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से ऑनलाइन मिलता है, अपना प्रोडक्ट बेचता है. जैसे मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, मैं उनको बेचना चाहता हूं, तो मैं OLX पे ऑर्डर डाल देता हूं. तो OLX पे मैं बेचने वाला, जिसने सेल करनी है वो मेरा नंबर है, मेरे कॉन्टेक्ट करेगा, नेगोशिएशन करेगा. फोन पे भी कर सकते हैं, जहां कहीं बैठ के भी कर सकते हैं, अगर डील होगी तो बस. तो ये हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कस्टमर बेचने वाला, एक खरीदने वाला. तो ऑनलाइन वो मिलते हैं अपने घर. इसकी बड़ी एग्जाम्पल है, रिसेंटली मैंने अपनी बाइक बेची तो OLX पे डाल दी, राइट, या ट्रू वैल्यू पे डाल दी. गाड़ी बेची ट्रू वैल्यू में दे दी, या फर्स्ट चॉइस को ट्रू वैल्यू मारुति वालों का है, फर्स्ट चॉइस हमारा महिंद्रा वालों का है. तो और कई ये लोकल लेवल पे भी हमारे एजेंट्स हैं, लेकिन जो ब्रांडेड एजेंट हैं वो अलग से हैं. जैसे ट्रू वैल्यू, OLX, फर्स्ट चॉइस, इसमें कंज्यूमर, एक कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, और अपनी कोई चीज बेचना चाहता है, ऑनलाइन फोटो खींच कर डालता है, और दूसरा कंज्यूमर जो परचेज करने वाला है, ये सेलर है, ये परचेजर है. तो आपस में मिलते हैं और डील डन कर देते हैं. कहता है सी टू सी में, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में ट्रांजेक्शन एक्टिविटी दो कस्टमर के बीच होती है, कोई बिजनेसमैन इसमें नहीं आता. दो कस्टमर बैठते हैं और अपनी डील को डन कर देते हैं. इज इट क्लियर? आई होप यू हैव क्लियर कंसेप्ट. कोई डाउट होगा मुझे कॉल करिए. फोर्थ सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस. ये मेथड आजकल बड़ा था. आजकल जिसे देखो मोबाइल पकड़ा और रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस है, राइट? इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपना आइडिया आगे जाके किसी को बता, जैसे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब वीडियो बना ले रहे हैं, कोई प्रैंक बना रहा है, राइट, कोई छोटी स्टोरी, कोई छोटी डॉक्यूमेंट्री अपने मोबाइल से लेके आप अच्छी अच्छी स्टोरियां, जैसे हिली एरियाज को एक्सप्लोर करते हो, उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, जितने लाइक्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर लाइक्स के बाद, शायद 50,000 लाइक के बाद आपको कुछ पैसे आना शुरू हो जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट वाले भी उसमें आ जाते हैं. तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस है. आप अपना आइडिया फेसबुक को बेच रहे हो, आप अपना आइडिया यूट्यूब को बेच रहे हो, आप अपना आइडिया बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बेचते हो. जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गूगल को, जैसे अगर मैं YouTube पे, अब ये सारे लेक्चर मैं अपने YouTube पे चैनल बनाया हुआ, मैंने अभी थोड़े दिनों में लॉन्च करूंगा, तो YouTube पे डालूंगा, तो Google देखेगा कि ये रेगुलर वीडियो डालते हैं अपने लेक्चर की, तो एडवर्टाइजमेंट वाले महीने दो महीने बाद कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल अप्रोच करेंगे, तो मैं अपने लेक्चर में उनकी वीडियो भी डाल सकता हूँ. तो इस तरीके से हमें हेल्प हो सकती है, राइट? ये हमारा हो गया. तो प्लीज इनको नोट कर लीजिए, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर करूंगा, इसको अपनी कॉपी बना के उसमें नोट लेना. स्टे सेफ, स्टे एट होम.